हेलो फ्रेंड्स, WNS साइबर स्मार्ट का कोर्स कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी डायरेक्टली अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। सबसे ऊपर लिख लेना है WNS साइबर स्मार्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, साइबर स्मार्ट पोर्टल, वहाँ पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में सिलेक्ट कंट्री लिखा हुआ है, वहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करना है, कौन सी भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज़ करना हो, उसके नीचे आगे का बटन है, वहाँ पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आपके स्टूडेंट का जो भी है उसका नाम डालना है। यहाँ पर मैंने नाम डाल लिया है। उसके बाद अपनी कक्षा या श्रेणी का चयन करना है। उसके बाद अपना स्टेट चुनना है, यहाँ पर मैं स्टेट चुन रहा हूँ अभी, तो फिलहाल मेरा स्टेट है तमिलनाडु, तो मैं यहाँ पर तमिलनाडु चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद चैनल पार्टनर पर यहाँ से ठीक से ध्यान देना है, माया केयर ही चूज़ करना है। ओके, चैनल पार्टनर पर क्लिक करके आपको माया केयर फाउंडेशन चूज़ करना है। उसके बाद आगे पर एक बार टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका नाम, और उसके बाद बीच में टैप एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे 5 वीडियो दिखाए जाएंगे आपको, वो आपको देखना है और उसके आंसर का जवाब देना है। यहाँ पर मैं आगे पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। आगे पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, एक वीडियो आया है, यहाँ पर प्ले करना है आपको और ये वीडियो पूरा देख लेना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे कुछ सवाल आएंगे, उसका जवाब देना है आपको। सभी सवालों के जवाब देने के बाद ऐसा फिर से आपको आगे का बटन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आपको सारी वीडियोज़ देख लेना है, 5 वीडियोज़, और उसका आंसर भी दे देना है। सभी 5 वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आगे पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये जो ऊपर वाला जो आपका कोड है एक बार ये कॉपी करके ले लेना है। उसके जब नीचे आ जाओगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद PDF के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में या फाइल मैनेजर में आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया होगा।